इस वीडियो के अंदर हम लोग Xiaomi Mi 10i स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि चाइनीज़ वेरिएंट Redmi Note 9 Pro 5G का एक रीब्रांडेड होने वाला है इंडिया के अंदर। अब यार ये स्मार्टफोन जो कि Redmi का लाइनअप में नहीं आने वाला है, Xiaomi का मी लाइनअप में आने वाला है, तो मीन समझ रहे हो आप लोगों को काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिलने वाला है, वो भी 18 से 20 हज़ार रुपये के प्राइस पॉइंट पे। और यार इस फ़ोन के अंदर बहुत ही अमेजिंग स्पेक्स मिलने वाला है, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। दैट्स वाई आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस फ़ोन का रिलीज डेट ऑफिशियली यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है कि 5 जनवरी को ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर ऑफिशियली रिलीज़ होने वाला है 2021 के अंदर। तो रियली में यार इस फ़ोन का रिलीज डेट बहुत ही सामने आ चुका है, और भी यार 10 दिन के अंदर ही Redmi का ये Redmi Note 9 Pro 5G जो कि इंडिया के अंदर हम लोगों को रीब्रांडेड मिलने वाला है Xiaomi Mi 10i करके, ये इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। इस फ़ोन का ऑफिशियल टीज़र भी यहाँ पे रिवील हो चुका है, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस फ़ोन का प्राइसिंग इंडिया के अंदर क्या होगा एक्सपेक्टेड हो चुका है यहाँ पे कन्फर्म, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दैट्स वाई आप इस वीडियो के अंदर तक जरूर देखिए। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स चेक आउट द Xiaomi Mi 10i स्मार्टफोन। तो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग इस फ़ोन के स्पेक्स से, परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। Qualcomm Snapdragon 750G चिपसेट इस फ़ोन के अंदर मिलने वाला है, जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है। 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है, 2.4 GHz पे क्लॉक है, तो यार काफ़ी अच्छा इस फ़ोन के अंदर परफॉर्मेंस मिलेगा जितना मेरे को लगता है। और ये चिपसेट जो कि एक न्यू चिपसेट है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ऑफर करने वाला है। रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, टॉप एंड वेरियंट जो कि 6GB 128GB 8GB 256GB तक का मिलने वाला है। यहाँ हम लोगों को UFS 2.2 स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलेगा, रीड और राइटिंग स्पीड भी अच्छे मिलेगा इस फ़ोन के अंदर। और ये फ़ोन जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 के साथ आने वाला है, जहाँ पे MIUI 13 का अपडेट देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, 6.67 इंच का डिस्प्ले इस फ़ोन के अंदर मिलने वाला है, फुल HD प्लस के रेजुलेशन के साथ आने वाला है। 120Hz का रिफ्रेश रेट इस फ़ोन के डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। और यार इस फ़ोन के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलने वाला है। अभी यहाँ पे ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि इस फ़ोन के अंदर सुपर एमोलेड का पैनल नहीं मिलेगा, IPS LCD पैनल मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा पैनल है। इसलिए इस फ़ोन के अंदर हम लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, इसलिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिल रहा। और इस फ़ोन के डिस्प्ले में हम लोगों को सेंटर पंच होल देखने को मिलेगा। कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो यार इस फ़ोन का मेन और हाईलाइटिंग फीचर इस फ़ोन का कैमरा। इस फ़ोन के अंदर क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जो कि यार एक राउंड हाउसिंग कैमरा सेटअप होगा, जहां पे हम लोगों को 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर मिलने वाला है। HM2 सेंसर मिलेगा, जो कि सैमसंग का सेंसर होने वाला है, तो नो डाउट यार काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि यार यहाँ पे लेटेस्ट 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर मिलने वाला है इस फ़ोन के अंदर। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर। फ्रंट में हम लोगों को 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करते हैं, 4820 mAh का बैटरी मिलने वाला है। नाउ यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि इस फ़ोन के अंदर इतना ही बैटरी मिलने वाला है। चार्जिंग के लिए 33W का फास्ट चार्जर मिलेगा, जो कि रियली में यार काफ़ी अच्छा चार्जर है। और ये चार्जर इन दी बॉक्स मिलेगा, 3.5 mm ऑडियो जैक भी इस फ़ोन के अंदर मिलेगा, NFC का सपोर्ट भी इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। प्राइसिंग और रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं, Xiaomi Mi 10i स्मार्टफोन का प्राइसिंग इंडिया के अंदर होने वाला है 18,000 से 20,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे, तो यार काफ़ी अच्छा प्राइसिंग है। इस प्राइस पॉइंट में ना सबसे मेरे को अच्छा लगा कि इस फ़ोन के अंदर 108 मेगापिक्सल प्राइमरी शूटर मिल रहा, प्लस इस फ़ोन के अंदर परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल रहा, प्लस इस फ़ोन के अंदर डिस्प्ले भी यार बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को कैसा लगा Xiaomi Mi 10i स्मार्टफोन, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा ही 5 जनवरी को ये स्मार्टफोन ऑफिशियली इंडिया के अंदर रिलीज होने वाला है 2021 के अंदर। तो यार रियली में काफ़ी सामने इस फ़ोन का रिलीज डेट आ चुका है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ। चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर कर लीजिए, इससे आप लोगों को मेरे डेली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पीस आउट।